नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मल्टी टेक चौहान। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे प्लेटिना के रियर व्हील का ब्रेक शू कैसे चेंज किया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये भाई पिछला व्हील खोल रहा है, अभी खोल के इसमें ब्रेक शू चेंज करेगा। व्हील खुल गया है और ब्रेक शू भी बाहर आ गया है। तो आइए अभी मैं आपको ब्रेक शू दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है ब्रेक शू का और न्यू कंडीशन में क्या आता है। तो ये देखिए, ये ओल्ड वाला ब्रेक शू है। ये देखिए, ये कितना स्मूथ हो चुका है, बहुत ज्यादा स्मूथ है। ये रहा न्यू वाला ब्रेक शू। ये ब्रेक शू एएसके कंपनी का है, इसे मैं अभी दिखा रहा हूँ ओपन करके। ये देखिए, ये ब्रेक शू का देखिए न्यू में कैसा रहता है और ओल्ड में कैसा हो जाता है। इस वजह से ब्रेक पूरा स्लिपरी कंडीशन में आ जाता है। ब्रेक आप कितना भी प्रेशर से दबाएंगे तो ब्रेक लगेगा ही नहीं, बिल्कुल स्लिप करेगा। ये देखिए, इसका जो मटेरियल है, इसका कलर देखिए और अभी ओल्ड वाले मटेरियल का कलर देखिए। देखिए ये दोनों कंपेरिजन देख लीजिए, आपको फील हो जाएगा। ये ब्रेक शू जो है हीट करके एकदम हार्ड हो चुका है, जिसके वजह से ब्रेक लगता नहीं है और इस ब्रेक के वजह से इसका ड्रम भी घिस रहा है। ये देखिए, आपको ड्रम भी मैं दिखा रहा हूँ, इसका ड्रम भी इसके वजह से घिस रहा है क्योंकि ये ब्रेक शू हार्ड हो चुका है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको इसका करंट रेट पता चल जाए। तो देखिए, इसका लेटेस्ट रेट यही है। तो अभी इसमें नया वाला ब्रेक शू लग गया है। ये देखिए दोस्त, नया वाला ब्रेक शू इसमें फिट हो गया है और अब इसको असेंबल करना है। इस नया वाला ब्रेक शू को लगाने के बाद इसका घिसाई किया गया है एमरी पेपर से, देख लीजिए। ये देखिए, अब ड्रम भी ये घिस रहा है। ये भाई ड्रम भी घिस रहा है। अब इस घिसने के बाद इसको तुरंत इसका असेंबल करेगा। ये देखिए दोस्त, ये इसमें अब जो है ब्रेक शू फिट कर दिया है, अब इसको असेंबल कर देगा। अभी एक्सल नट को अच्छे से साफ करके इसमें ग्रीस लगा रहा है, जिससे कि आपको इजीली ये फिट हो जाए और फिर ज्यादा फ्रिक्शन ना हो। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक मकसद ये भी था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बाइक के रियर व्हील को खुद से ओपन कर सकें और खुद से उसका ब्रेक शू चेंज कर सकें। तो आशा करता हूँ आप कुछ ज़रूर सीखे होंगे। तो अब ये फिनिश ही हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बुरी लगे तो डिसलाइक करें और ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। Thanks for watching my videos.